हाय दोस्तों, आपका ये ट्रिक में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा बैकग्राउंड देना चाहे दूसरा बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। अगर आप अपने फोटो का PNG बनाना चाहते हैं तो PNG भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप भी अपने फोटो का PNG बनाना हो या फिर दोस्तों आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, बैकग्राउंड लगाना हो, बैकग्राउंड को ब्लर करना हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना भी न भूलिए, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने फोन के होम स्क्रीन पे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे टाइप करिए रिमूव बीजी। आप टाइप कर लीजिए जैसे टाइप यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई रिमूव इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक कर लीजिए। रिमूव इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आप दिखाई दे रहा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड, इसके नीचे दिखाई दे रहा है अपलोड इमेज पर क्लिक कर दीजिए। अपलोड इमेज पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे ब्राउज पर क्लिक कर लीजिए। ब्राउज पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई गैलरी पर क्लिक कर लीजिए। गैलरी पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आप अपने एल्बम से एक फोटो ले लीजिए। जैसे मैं एक फोटो ले लेता हूँ, अपने एल्बम से एक फोटो ले लेता हूँ। इस तरीके से आप भी अपने फोटो ले लीजिए। यहाँ आप दिखाई दे रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ देखिए अपलोडिंग हो रहा है, देख सकते रिमूव बैकग्राउंड हो रहा है। आपको दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव होगा, कुछ इस तरीके का आपका बैकग्राउंड आ चुका है, जो कि दोस्तों आपका PNG वाला बैकग्राउंड है। आपको दोस्तों ओरिजिनल देखेंगे फोटो तो कुछ इस तरीके का फोटो बैकग्राउंड होगा। रिमूव हो जाने कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड हो चुका है, पूरी तरीके से PNG वाला फोटो बन गया है। यहाँ आप दिखाई दे डाउनलोड पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ दिखाई दे डाउनलोड पर क्लिक कर लेने के बाद अब दोस्तों आपका फोटो कंप्लीटली PNG वाला हो चुका है। अगर आप दूसरा बैकग्राउंड चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक कर दीजिए। एडिट पर क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे, यहाँ देखिए ब्लर दिखाई दे रहा है। आपने फोटो को ब्लर करना हो तो ब्लर भी आप कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का, जिस तरीके का ब्लर करना अपने फोटो को ब्लर कर सकते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है अपलोड बैकग्राउंड, यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का अगर बैकग्राउंड चाहते हैं कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कर सकते हैं। आपको मतलब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड, यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड करना, कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड आपने ब्लर किया इसीलिए बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का सिंपल कर लीजिए। आप देखिए कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड हो गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड करना, कुछ इस तरीके कर सकते हैं, जिस तरीके का बैकग्राउंड चेंज करना हो कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे पड़े हुए, जिस तरीके का चाहते उस तरीके कर लीजिए। यहाँ देखिए बहुत सारे हैं, जिस तरीके में चाहते उस तरीके का बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। दोस्तों, इसके नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई जैसा सिंपल में चाहते हो सिंपल में भी बैकग्राउंड कर सकते हैं। जैसे ऐसा चाहते हो तो ऐसा कर लीजिए, या फिर ऐसा चाहते हो ऐसा, या फिर ऐसा चाहते हो तो ऐसा बैकग्राउंड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। डाउनलोड पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शेयर इमेज दिखाई दे रहा, डाउनलोड इमेज दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं इसी आपको शेयर पर क्लिक कर दीजिएगा, शेयर हो जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा डाउनलोड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाए, अपने गैलरी को ओपन कर लीजिए। गैलरी में सिंपल सा ओपन कर लेता हूँ। गैलरी सिंपल सा ओपन कर लेने, यहाँ देखिए दो फोटो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपका PNG वाला फोटो दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आपको दोस्तों PNG वाला फोटो दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए आपको मतलब बैकग्राउंड रिमूव होकर फोटो आ चुका है। इसी तरह आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और दोस्तों अपने PNG वाला फोटो आप यहीं से पा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।